बहुत लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ हम अभी अपना सीक्रेट मसाला डाल रहे हैं, तो ऐसा कोई मसाला आपके यहाँ? देश एक ऐसा देश है जो मसाले के लिए प्रसिद्ध है, जो इम्पोर्ट करता है, तो आपके पास कौन से सीक्रेट मसाले हो मेरे को भी बता दो। अच्छा, पैसा कमाना रहता तो बहुत कमाते थे, दो बंगले रहते थे अपने। अच्छा जी, भाई माँ बाप का मकान है वही बहुत है। क्या बात, तो आज हम आ गए हैं जी नागपुर के माँ गायत्री चाइनीज सेंटर में, जहाँ के कॉम्बोज जी बहुत ही ज्यादा फेमस है, और ये भी है यहाँ के ओनर। भैया कैसे हैं आप? बस बढ़िया भाई, बोलो। भैया क्या क्या मिलते हैं आपके यहाँ? नूडल्स कॉम्बो, राइस कॉम्बो, वेज मंचूरियन, सोया चंक्स। अच्छा जी, अभी क्या बना रहे हैं आप? अभी वेज कॉम्बो। वेज कॉम्बो नूडल्स वाला। अच्छा जी, जो तो नॉर्मली तो भैया वो कढ़ाई वगैरह में बनाते हैं चाइनीज में? हाँ, अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में तो कढ़ाई में बनता है। अच्छा, मैं एक बंदा हूँ जो कढ़ाई में बनाता हूँ। तो जो तवे पे बनता है तो उससे कुछ फर्क रहता है क्या टेस्ट में या कुछ? टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता है। अच्छा, फर्क आता है सिर्फ मिलाने का तरीका और क्वांटिटी ज्यादा रहती है उसमें। तो कढ़ाई में तो एक एक दो दो प्लेट बनता है मेरे। हाँ, पास एक से डेढ़ किलो का माल बनता है। अच्छा जी, तो मतलब आप बता रहे थे कि यहाँ पे आप एकदम लिमिटेड माल लाते हैं। हाँ, और जैसे ही खत्म दुकान बढ़ा देते हैं। तो एक अंदाजन कितने किलो नूडल्स बनाते हैं आप रोज? 10 किलो। 10 किलो फिक्स। ये डल गया जी प्याज, ऊपर से हरी मिर्ची। तो भैया आइटम सब जाएगा, ये 200 रुपए किलो रहे या 20 रुपए किलो रहे, जाएगा या नहीं जाएगा? अच्छा जी, अभी नवरात्र में बहुत ज्यादा महंगे थे, 80 रुपए, 200 रुपए शिमला, बट फिर भी कोई कॉम्प्रोमाइज? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। स्प्रिंग ऑनियन 160 रुपए केजी गया था, बट अभी भी डालते हैं हर एक। तो लोगों का कैसा है अभी, जैसा स्प्रिंग ऑनियन सीजन में आ गया तो 10 रुपए किलो डालो। अच्छा, नहीं है ऑफ सीजन में नहीं रहता। सही बात है। तो वैसे आप कितने सालों से बेच रहे हैं ये? भैया हमारे बड़े भाई साहब का कॉन्सेप्ट था, 2000 से। हाँ, 5 रुपए प्लेट से स्टार्ट करे थे। हाँ, और आज 25 रुपए प्लेट पे पहुंचे अपन। अच्छा जी, कमाने का उद्देश्य कोई भी नहीं है, सामने वाले को अन्नपूर्णा माता बैठी है यहाँ पे, खिलाने का उद्देश्य है। बट आपने ये चीज बहुत अच्छी की है कि हर चीज का जो प्राइस है वो सेम है। सेम, जब शुरू हुआ था तब हर चीज का 5 रुपए था, और जब अभी है हर चीज का 25 रुपए। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है। हाँ, एक्चुअली ये जाता नहीं है। अच्छा, जाता है चैपिंग करके। okay, पर मेरे पास समय नहीं है। अच्छा, इसलिए मैं पेस्ट डालता हूँ, उसका टेस्ट डिफरेंट आता है। मैंने डाला कैबेज। तो पत्ता गोभी भैया कितने किलो डालते हैं मतलब एक प्रिपरेशन में? अभी देखो भैया, मैंने एक कटोरा कम से कम कैबेज डाला। अच्छा, ठीक है, सामने वाले को क्या लगेगा, ये नूडल्स में खिला रहा इसका पत्ता गोभी खिला। अच्छा, अब मेरा जो नूडल जाएगा ना। हाँ, उसमें अगर आप पत्ता गोभी ढूंढ के निकाल दोगे तो एक प्लेट 1 साल के लिए 1% के लिए फ्री है। क्या बात है, ओपन चैलेंज। हाँ, अच्छा जी, अपन खिला रहे वेजिटेबल नूडल्स। हाँ, उसमें वेजिटेबल होना जरूरी है? नहीं, लोगों को कैसा दिमाग में जाएगा, अरे यार तवे पे डाला इसने पत्ता गोभी डाल दिया, अब नूडल्स का डालेंगे और क्या खिलाएंगे। इतनी ज्यादा पत्ता गोभी देख के इंसान के मन में आएगा ना। मैंने सामने अपन खिला रहे वेजिटेबल नूडल्स जी। वैसे आपके शॉप का एक बार एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस है गड्डी गोदाम शॉप जी, गणेश होटल के सामने, माता गायत्री चाइनीज सेंटर जी। और शुरू होने का टाइम? 5:30। 5:30 शुरू होता है, और कोई मतलब एंडिंग टाइम फिक्स नहीं है? कोई टाइम फिक्स नहीं है। अच्छा, नॉर्मली कितने टाइम तक चलता है? 9:30 तक हो जाता है। मतलब अगर आपको आपके यहाँ आना है तो 9 तक आ जाए, उससे लेट नहीं। अब ये नूडल जा रही है बॉयल वाली। अच्छा जी, नूडल्स पहले से पूरा प्रिपरेशन करके आते हैं? सब असेंबल करके, सब मेक करके लाना पड़ता है, असेंबल यहाँ करना पड़ता है। ऊपर से क्या क्या? कोरिएंडर, स्प्रिंग अनियन, नमक। वे बहुत लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे सीक्रेट मसाले हैं, आपके यहाँ भी कोई ऐसा मसाला है? ये ब्लैक पेपर है ओरिजिनल। अच्छा जी, 900 रुपए केजी। हाँ भैया, क्या बोले सर? बहुत लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ हम अभी अपना सीक्रेट मसाला डाल रहे हैं, तो ऐसा कोई मसाला आपके यहाँ? देश एक ऐसा देश है जो मसाले के लिए प्रसिद्ध है, जो इम्पोर्ट करता है, तो आपके पास कौन से सीक्रेट मसाले हो मेरे को भी बता दो। अच्छा जी, सारे मसाले मिल जाते हैं? सब मसाले, मार्केट खुला है भैया, कौन से मसाले सीक्रेट है बताओ। तो कोई सीक्रेट मसाला नहीं है, जो आम मसाले रहते हैं वही डलते हैं, बस नाम पड़ जाते हैं। और क्या, वो मेरा बता देता हूँ भैया, मैं मसाला अपने बना रहा हूँ। अरे घर में क्या बनाता है, काली मिर्च कलमी सब मार्केट में मिलते हैं ना? अच्छा, क्या नहीं है तो अपने वैसे वो दिखावा बोल बच्चन वाला काम नहीं है, ये सामने जो बोलेंगे वही खिलाएंगे, जो सामने आपके लाइफ है। अच्छा जी, ये पहले कौन कौन सी सॉस डाली आपने? पहले रेड चिली डाला, टमाटर सॉस डाला। हाँ, सोया सॉस डाला। और सॉस कौन सी यूज करते हैं? मील टाइम। अच्छा जी, चिंग्स कंपनी का नहीं वापरता भाई, और ये सेजवान चटनी अपने होम मेड। अच्छा, कटिंग कर लेते हैं पहले से ही? हाँ, कटिंग करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत मेहनत भी रहती है ना जी। तो ये अंदाजन कितने प्लेट्स बनाई अपन ने? 30 प्लेट बनी है। 30 प्लेट,
और जितनी देर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सबसे पहले सोया चंक्स बने थे, मात्र 15 मिनट में पूरे के पूरे सोया चंक्स बिक गए थे। ये भी है नूडल्स कितनी देर में खत्म हो जाएंगे? ये 10-15 मिनट लगेंगे। अच्छा जी, तो कस्टमर आते ही रहते हैं, जो चीज बनी होती है वो लेके चले जाते हैं, कभी कोई नाराज नहीं होता है। अभी कस्टमर ऐसा है, एक तो शादी का सीजन है और दूसरा ही हमारा टी पॉइंट बंद है। अच्छा, कामटी रोड का गुरुद्वारा, मतलब 50% से भी कम ऑडियंस है अभी। हाँ। अच्छा जी, क्योंकि टी पॉइंट बंद ही होगा ना, तो जी जी। एक जारीपटका का मानका वो बंद है। हाँ। राजस्थान का रस्तों के कारण ये जगह डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्ट हो गया। मोतीबाग का पुल बन रहा है, मोमीपुरा का वो बंद है, और कामटी रोड का पुलिया का काम है। इसको अपन नॉर्मली मंचूरियन के साथ एक कॉम्बो बना के देते हैं 25 रुपए का, तो उसमें नूडल्स भी खाने के लिए मिल जाती है। और मंचूरियन कितने डलते हैं उसमें? 3 पीस। अच्छा, फुल में 6 पीस, लोगों के 8 या 10 पीस रहते हैं, अपने 6 पीस रहते हैं, बट साइज बढ़िया है, साइज बढ़िया। तो ये हो गया जी नूडल्स यहाँ पे रेडी। भैया मंचूरियन यहाँ पे जो अपनी तवा नूडल्स थे, वेज तवा नूडल्स, उनके एकदम रेडी है। और नॉर्मली ये जो नूडल्स है यहाँ पे, वो एक कॉम्बो के साथ सर्व किए जाते हैं, मंचूरियन जिसमें हाफ मंचूरियन में 3 पीस जाएगा विद ग्रेवी। हाँ। और जो सामान आपको लगे, ग्रेवी होना, सलाद होना, सब आपको अवेलेबल मिलेंगे यहाँ पे, कोई चार्जेस नहीं रहते। क्या बात, ये चाट मसाला है, मतलब सिर्फ कस्टमर खुश हो और कुछ नहीं चाहिए, खुश करने के काम है भाई अपना। एक मुझे भी दे देना। पैसा कमाना रहता तो बहुत कमाते थे, 2 बंगले रहते थे अपने, भाई माँ बाप का मकान है वही बहुत है। क्या बात है, ये लो 2 कॉम्बो, ये एक मेरे लिए भी बना दीजिए। आप बोलो, हाफ मतलब जब कॉम्बो ले रहा था 3 पीस। हाँ, और नूडल्स भी हाफ आएगा, नहीं तो फुल प्लेट भर के आती है 25 रुपए में। और सामने वाले को, कस्टमर को क्या दिखेंगे, अरे यार ये तो हाफ में 3 पीस डाला और नूडल डाला, 25 में दोनों चीजें मिल रही हैं भैया, 4 चीज हो गई है, बताइए 25 रुपए में कोई खिला देगा? ये अपना कॉम्बो बनके एकदम रेडी है। अगर आपको भी ये ट्राई करना है तो आ जाना जी माँ गायत्री चाइनीज सेंटर में, ये है जी गड्डी गोदाम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। जल्दी से मिलता हूँ एक नए वीडियो में।